Hello my YouTube family, my name is Mukesh Janwa and you're watching my YouTube channel. Students, आज मैं टॉपिक ले रहा हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से मैं आपको समझाऊंगा, बट शुरू करें उससे पहले दो बातें मैं हमेशा कहता हूँ. सबसे पहले इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑल बेल आइकन. ऊपर आई टैब में मैं कुछ पुराने वाले वीडियोज़ के लिंक दे रहा हूँ, उनको भी आप देखिएगा ताकि आपको सिक्वेंस के साथ सारे टेंस समझ में आए और लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा. नोट्स बना सके तो बनाइएगा. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मीनिंग क्या होता है? जो काम पास्ट में कंटिन्यूस चल रहे थे, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अभी बोलते वक्त से पहले, कल परसों तरसों आज भी कभी भी बात कर रहे हैं, तो पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा था. अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में डिफरेंस क्या, मैं अभी समझाऊंगा. जैसे आशीष 9 बजे से टीवी देख रहा था, ऐसे ही बोलना कल आशीष टीवी देख रहा था, तो सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस आप यूज कर सकते हैं. क्या? आशीष वॉज वॉचिंग टीवी. लेकिन जब टाइम लिमिट आ जाती कि आशीष, मैं उससे मिलने गया कल दोपहर में 2 बजे, बात पास्ट की कर रहे हैं, और पता चला कि वो तो सुबह 9 बजे से टीवी देख रहा था, तो 2 बजे जब मिलने गया तब से लेकर सुबह से लेकर 2 बजे तक काम कंटिन्यू चल रहा था, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से बताएंगे. राइट, अब चारों सेंटेंस मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, मैं चार एग्जांपल. विनोद 2018 से हॉस्टल में रह रहा था, अभी खाली करके गया वो, तो है ना. बारिश सुबह से हो रही थी यहाँ पे, तो कल की बात कर रहे हैं, परसों की बात कर रहे हैं. नेहा सुबह 8 बजे से मेरा इंतजार कर रही थी कल, और बड़ा गंदा लगा. तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हिंदी में समझ में आया होगा. अब हम इंग्लिश में चारों सेंटेंस पढ़ते हैं. पहले नंबर पे आता है स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य. इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं ऊपर एग्जांपल. सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट और पास्ट. ध्यान रखना प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंस सेकंड फॉर्म का होता है. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या यूज कर रहे थे? हैव. तो पास्ट में हैव की सेकंड फॉर्म क्या यूज करेंगे? हैड. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट या फॉर ऑब्लिक सिंस. फोर कहाँ यूज करेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में डिस्कस किया था पीरियड ऑफ टाइम. और सिंस कहाँ यूज करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे. राइट, चलिए अब इस फॉर्मूले के आधार पर अब क्या चेंज क्या किया. आप पहले वाला वीडियो देखिएगा एक बार, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सिर्फ पास के लिए हैव की सेकेंड फॉर्म हैड लगाई, बाकी जस का तस है. तो कई बार लोगों को फॉर्मूलाज याद करने में भी डिफिकल्टी फील होती है, बहुत ईजी है. अब सेंटेंस बनाओ. सब्जेक्ट आशीष, कल की बात कर रहे हैं पास की, मैं 2 बजे उससे मिलने गया, पता चला कि आशीष सुबह 9 बजे से टीवी देख रहा था. तो सब्जेक्ट क्या आएगा? आशीष, लिख दूं यहां पे, ये सेंटेंस आप बनाओगे. आशीष हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब क्या है? टीवी देख रहा था, वॉच टीवी, वॉच के साथ आईएनजी लगा के वॉचिंग टीवी सुबह 9 बजे से. पॉइंट क्या है? तो सिंस मॉर्निंग 9, ठीक है, स्पेस की कमी है, अब आप थोड़ा समझ लीजिएगा इसको. नेक्स्ट वाला सेंटेंस आप बताओगे इसको. विनोद 2018 से हॉस्टल में रह रहा था, जैसे 2-3 दिन पहले या महीने भर पहले विनोद ने हॉस्टल खाली कर दिया. मैं क्या, क्यों खाली किया? तो आप क्या बोलोगे? अरे यार, वो 2018 से हॉस्टल में रह रहा था, बस अभी खाली करके चला गया. तो आप खुद बनाओगे इसके लिए, ये मैं नहीं बना रहा हूं, मैं नेक्स्ट वाला सेंटेंस, इससे मुझे स्पेस भी मिल जाएगी. बारिश सुबह से हो रही थी, बालाकी जैसे मैं पूछूं कल आपके यहाँ बारिश, अरे यार हमारे यहाँ तो कल सुबह से बारिश हो रही थी, शाम को 3 बजे रुकी, तो कल सुबह से बारिश हो रही थी यहाँ पे. तो क्या आएगा? इट. बारिश के लिए सब्जेक्ट क्या यूज करोगे? इट हैड और बीन. इट हैड बीन रेन की थर्ड फॉर्म, सॉरी रेन के साथ आईएनजी, रेनिंग. इट हैड बीन रेनिंग सुबह से सिंस मॉर्निंग. पॉइंट कर रहे हैं तो सिंस मॉर्निंग. इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. नेहा सुबह 8 बजे से मेरा इंतजार कर रही थी कल, तो सब्जेक्ट क्या? नेहा. चलो ये भी आपके लिए छोड़ देता हूं, वैसे बहुत इजी, आप इजीली बना सकते हो. इंतजार कर रही थी, इंतजार के लिए एक्शन वर्ब में बताता हूं, वेट. ठीक है, ये सेंटेंस आपको खुद को बनाना है, और ये दोनों सेंटेंस कमेंट बॉक्स में रखिए. विनोद 2018 से हॉस्टल में रह रहा था और नेहा सुबह 8 बजे से मेरा इंतजार कर रही थी, ये दोनों सेंटेंस आपके लिए है. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है गाइस. अब इसी से हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? मैं इसी से बनाने जा रहा हूं नेगेटिव सेंटेंस. नकारात्मक वाक्य बनाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? सिंपल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या करोगे? नॉट लगा दोगे. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या फॉर ऑब्लिक सेंस. तो ये नॉट लगा दिया, इन्हीं का सबका नेगेटिव. नहीं, जैसे मैंने कहा कल आशीष सुबह 9 बजे से टीवी देख रहा था,
सामने वाला क्या बोलेगा, किसने बोला भैया, हु टोल्ड यू? आशीष 9 बजे से टीवी नहीं देख रहा था, मुझे पता 12 बजे से देख रहा था। तो आशीष 9 बजे से टीवी नहीं देख रहा था, मना करना है तो आशीष की जगह मैं ही यूज कर रहा हूं। बोलो क्या बनाओगे, ही हैड नॉट बीन वॉच के साथ आई जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई जी, वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग 9। वो 9 बजे से टीवी नहीं देख रहा था, ही हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग 9। तो पॉइंट क्या, तो सिंस का प्रयोग किया है, सबके साथ यूज कर सकते हो। बारिश नहीं हो रही थी, तो तुम्हारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन कल हमारे यहाँ सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, बीच बीच में आ रही जा रही थी। तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग हियर, कल यहाँ, यस्टरडे भी लगा सकते हो आगे। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। थर्ड सेंटेंस सभी के साथ नोट लगा के आप खुद बनाएगा। थर्ड हम लोग यूज करेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। यदि क्वेश्चन पूछना है, जैसे कंफर्म करना, किसी ने 9 बजे से कहा कि आशीष कल 9 बजे से टीवी देख रहा था, यदि कंफर्म करना कि ओ कल क्या आशीष 9 बजे से टीवी देख रहा था, जब मैं 2 बजे आया तब की बात कर रहे हो, तो उसके लिए क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आगे लाओ, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 सिंस। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन बना दीजिए। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मेरा भाई कल वो सुबह से पतंगे उड़ा रहा था। सिंपल सेंटेंस पहले बना रहा, ध्यान से सुनना, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहा, वो सुबह से पतंगे उड़ा रहा था। ही हैड बीन, फ्लाई के साथ आईएनजी लगने से क्या बनेगा, फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग। वो कल संडे था और सुबह से वो पतंगे उड़ा रहा था, तो ही हैड बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग, ऐसा तो मैं कह रहा हूँ। ये तो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। स्टूडेंट सीधे आपको क्वेश्चन बनाना है, जैसे आपका भाई क्या वो कल सुबह सुबह से पतंगे उड़ा रहा था, मतलब शाम को 5 बजे मिले हो और आप कल के बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या वह सुबह से पतंगे उड़ा रहा था? तो क्वेश्चन के लिए हैड आगे आ जाएगा, हैड सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, हैड आगे लाइए, बोलो हैड ही बीन फ्लाइंग काइट्स, हैड ही बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग, क्या वो कल सुबह से, यस्टरडे मॉर्निंग ना, क्या कल प्रातः सुबह से ही वो पतंगे उड़ा रहा था? तो इसके लिए हैड आगे आ जाएगा, सब में हैड आगे लाइए, है ना। नेहा, सुबह से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग यस्टरडे हियर। क्वेश्चन पूछना, क्या आपके वहाँ कल सुबह से बारिश हो रही थी, हैड इट बीन रेनिंग देयर सिंस मॉर्निंग, हैड इट बीन रेनिंग देयर सिंस मॉर्निंग। तो ऐसे कुछ सेंटेंस आप बनाओगे, मैं समझा रहा हूँ। फोर्थ नंबर पे क्या आता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंसेस। तो प्रश्नवाचक तो हमने बना लिया, नकारात्मक के लिए क्या, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले क्या आएगा, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड 4 सिंस। कैसे, फॉर एग्जांपल, क्या आपका भाई, किसी ने कहा वो सुबह से पढ़ रहा था, किसी ने कहा क्या वो सुबह से नहीं पढ़ रहा था, क्या कल वो सुबह से नहीं पढ़ रहा था, आज उसका एग्जाम है और कल के बारे में पूछना है, क्या वह कल सुबह से नहीं पढ़ रही थी, लड़की के लिए ले लेते हैं। तो उसके लिए क्या आएगा, हैड आगे आ जाएगा, हैड सब्जेक्ट क्या है, शी नॉट बीन, स्टडी के साथ आईएनजी, स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हैड शी नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह कल सुबह से नहीं पढ़ रही थी, Had she not been studying since morning? क्या वो कल सुबह से नहीं खेल रहा था, Had he not been playing since morning? Right? Next, not और had आगे ला सकते हो, hadn't बन जाएगा, hadn't she been studying? Hadn't she been studying? आगे वो कब हुई? तो ये चारों सेंटेंस स्टूडेंट्स मैंने बताया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। दो सेंटेंस तो मैंने दिए, लेकिन इन दोनों सेंटेंस के नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव चारों बना के यदि आप कमेंट बॉक्स में रखो, तो मानो कि आप लोग सच में चैलेंज स्वीकार करते हो।
बाकी कैसा लगा? यू कैन राइट योर जेन्युइन फीडबैक इन कमेंट बॉक्स. इट्स इनफ. आई विल बी राइट बैक विद द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.